छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, सब इंसान ही चल रहे हैं। इनक्रेडिबल, वो एक झलक में वर्ल्ड टालेस्ट स्टैचू दिखेगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों इस टाइम मैं हूँ बड़ौदा जंक्शन पे और यहाँ से मैं निकल रहा हूँ एकता नगर के लिए, क्योंकि वहाँ मुझे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विजिट करना है। तो आज का पूरा ट्रिप हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे बिताएंगे, पूरा दिन भर वहाँ के हर चीज को एक्सप्लोर करेंगे, लाइट शो देखेंगे। अभी मैं फिलहाल बड़ौदा जंक्शन पे हूँ, यहाँ से हमने टिकट बुक कर लिया, डेढ़ घंटे का लगभग ट्रेवल करना है। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे एकता नगर, फिर वहाँ पहुंच के वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे चीजों को कि क्या क्या होता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे, वो सारी डिटेल आपको आज को दिखाई मिलेगी। तो चलते हैं, ट्रेन में बोर्ड करने का टाइम हो रहा है। दोस्तों हमें एकता नगर के लिए निकलना है, लेकिन हमारी ट्रेन डबोई स्टेशन पे रुक गई है। यहाँ से अभी ट्रेन निकलेगी एकता नगर के लिए। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बहुत आराम से रिलैक्स होकर, क्योंकि यहाँ शायद 30 मिनट के आसपास से ट्रेन रुकी रहेगी। ये मेरे पीछे मेरी ट्रेन आपको दिख रही होगी। दोस्तों इसी से मुझे पहुंचना है एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने। तो आज का व्लॉग ये बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि हम देखने जा रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू, वर्ल्ड टालेस्ट स्टैच्यू। दोस्तों फाइनली हम लोग एकता नगर पहुंच चुके हैं, यहाँ से हमें बाहर निकलना है, उसके बाद कुछ खाना पीना करके फिर निकलेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए। तो जब भी आप यहाँ स्टेशन पहुंचे तो आप बाहर आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, हर 15 मिनट पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की गवर्नमेंट तरफ से गाड़ी आती है। आपको कोई भी ऑटो या उबर ओला कुछ भी ऐसा बुक नहीं करना, क्योंकि आपको चार्ज लगेगा। लेकिन यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आने के लिए गवर्नमेंट ने खुद कर रखा है, हर 15 मिनट बसें आती हैं, तो आप यहाँ लाइन में लग करके बस बैठ के सीधे पहुंच सकते हैं। मैं भी वही करने वाला हूँ। काफी मेहनत के बाद हम लोग बस पहुंच चुके हैं और बस इस तरीके से पूरी खाली है, यहाँ पर सीटें मैक्सिमम खाली है इसमें, तो रश की जरूरत नहीं, क्योंकि हर 15 मिनट के बाद बस आती है, तो आपको सीटें इस तरीके से खाली मिल जाएंगी। बस हाँ थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वही हमने किया। सफर कैसा? दोस्तों हमें यहाँ बस से ही ग्लिम्स दिखने लगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, और ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। हम पास पहुंचते जा रहे हैं, फुल साइज में दिखना शुरू हो गया है, और ये है हमारी नर्मदा रिवर जो बेहतरीन लुक के साथ हमें दिखाई पड़ रही है। कैसा लग रहा है सर? दोस्तों हम लोग यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंच चुके हैं। ये पीछे मेरी बस रही जो आपको दिख रही होगी, मैं इसी बस से उतरा था अभी, और जैसे ही आप यहाँ पे उतरेंगे तो आपको पूरा एक नजर में एक झलक में वर्ल्ड टालेस्ट स्टैच्यू दिखेगा, जो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो इंडिया के होम मिनिस्टर रहे हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया के। और दोस्तों यहाँ देख के लगता है कि दुनिया सबसे ऊंचा स्टैच्यू मैं देख रहा हूँ, तो ये बहुत ही प्राउड का मोमेंट है, हैशटैग इनक्रेडिबल इंडिया। ये मैं बाहर से आपको दिखा रहा हूँ कि पूरा बाहर से लुक कैसा आता है, और ये सामने नर्मदा नदी दिख रही होगी आपको, दूर से नजर इतना खूबसूरत लग रहा है, मन कर रहा है कि तुरंत अंदर पहुंच जाए। लेकिन हाँ प्रोसेस लंबी है, उधर से पूरा टिकट विकट लेके तब अंदर जाना है वहां तक, तो काफी लंबी डिस्टेंस है, तो हम ट्रेवल करेंगे उधर, सीधा पहुंचते हैं अंदर, अब इंजॉय करते हैं पूरा, एक्चुअली अंदर से एकदम फ्रंट से जाकर के देखते हैं कैसा लगता है। लॉकर रूम है, यहाँ पे आप अपना सामान जमा कर सकते हैं, इसका कोई भी पैसे नहीं लगते, पूरा टोटली फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से ही। तो आप यहाँ पे अगर कुछ भी सामान लेकर आते हैं तो इस लॉकर रूम में एकदम सेफली यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे मिलता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अंदर जाने का टिकट पूरा, ये रहा टिकट काउंटर, थैंक यू भैया। टिकट हमने ले लिया, इसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर जाने का पूरा 380 का, और उसी में वैली ऑफ फ्लावर भी है, और डैम देखने का भी इसी में, यानी एक टिकट में तीन चीजें हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली दो टाइप के टिकट है, एक 150 का, 380 का है। अगर आपको बहुत ही अंदर ऊपर तक जाना हो एकदम चेस्ट रीजन तक, तो आप 380 वाला लीजिए, लेकिन अगर आपको सिर्फ नीचे नीचे से देख के वापस आ जाना हो तो 150 वाला भी आप अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से एंट्री होती है, इधर की तरफ से यहाँ पे लोग लाइन लगा, यहाँ से एंट्री होती है, अंदर एंट्री हो चुकी है, और यहाँ पे आपको धूप से बचाने के लिए पूरा प्रॉपर ये इंतजाम किया कि आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे बहुत ज्यादा छाया रहता है, अगर इधर देखें कितनी तेज की धूप है। लेकिन हाँ टूरिस्ट का पूरा ख्याल रखा गया, इसीलिए तो इतने ज्यादा यहाँ पे पूरा खर्च हुआ था। अगर आपको पता हो तो इसको बनाने में 3,000 करोड़ लगे थे, तो ये सारा कलेक्शन शायद इसी चीजों में गया होगा, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे पूरा सिक्योरिटी का प्रॉपर इंतजाम है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू अपने साथ अगर देख पा रहे हैं, तो आपको यहाँ तो दिख रहा होगा सीधा कि वर्ल्ड बिगेस्ट टालेस्ट स्टैच्यू, जिसकी हाइट 182 मीटर है और नियरली 600 फीट के आसपास है। तो दोस्तों ये एक पूरा टच है फाइनल, जो हम यहाँ पे एंट्री ले चुके हैं, सीधा हमें यहाँ से चलना है, इसके ऊपर जाना है। लेकिन हाँ एक नजर में आपको देख के कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहां तक जाने का पूरा स्टैच्यू तक दो रास्ते हैं, एक इधर पीछे दिख रहा होगा और ऐसा ही सेम रास्ता इधर है। इन दोनों रास्तों पे सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको छाया लगेगी, धूप नहीं लगेगी। लेकिन दोस्तों मैं धूप वाले एरिया से ट्रेवल कर रहा हूँ, इसलिए कि मुझे यहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकदम बराबर दिखाई पड़ रहा है पूरा मिडिल से, तो मुझे आपको अच्छे व्यू के साथ दिखाना भी है, इसीलिए मैं धूप वाले एरिया से जा रहा हूँ। तो इतनी मेहनत के लिए अगर आपसे हो सके तो अगला जरूर करिएगा। यहाँ पे एक्सीलेटर लगा हुआ, आपको मेहनत भी नहीं करनी है, आप आराम से छाए में एकदम से खड़े होकर सीटर के थ्रू वहां पहुंच जाएंगे। कितना
नेचुरल नजारा ही नर्मदा रिवर है हमारी। और दोस्तों इसी के किनारे पर हमारा स्टेचू ऑफ यूनिटी सिचुएटेड है। अब यहाँ से अगर आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो वहाँ पे लिखा स्टेचू ऑफ यूनिटी, और इसको देखते आपको वो हॉलीवुड वाला सीन याद आएगा नहीं कि हॉलीवुड भी ऐसे ही पहाड़ों के बीच में ग्रीनरी के बीच में लिखा हुआ है। दोस्तों मैं शांति से किनारे बैठ गया हूँ क्योंकि मुझे आपको थोड़ा सा बात करनी है स्टेचू की हिस्ट्री के बारे में कि 2013 को बनना शुरू हुआ था 31 अक्टूबर के दिन, और 31 अक्टूबर 2018 को ये पूरा हुआ है और उसी दिन का इनॉग्रेशन भी हुआ है। हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। इसकी नेटवर्थ अगर बात करें तो 3,000 करोड़ के आसपास है, 27 बिलियन रुपीज में ये बना हुआ है। अप्रॉक्सीमेशन में 3,000 करोड़ के आसपास ही आएगा। दोस्तों आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि स्टेचू ऑफ यूनिटी की एक्चुअल हाइट कितनी है, अगर आप अंदाजा लगा पाए तो। मैं धीरे अपने मोबाइल का कैमरा ऊपर कर रहा हूँ और ये दोस्तों खत्म होने का नाम ही ले रहा है। फाइनली जाके हमें उनका पूरा हेड दिखा है। और दोस्तों आपको वीडियो में कैसा दिखा मुझे नहीं पता, लेकिन सच बता रहा हूँ कि रियल में जब मैं देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी ऊंची इमारत देख रहा हूँ, लग रहा है सीधे आसमान से पूरा टच हो रही है। ग्राउंड फ्लोर पे है और यहाँ पे पूरा म्यूजियम बना हुआ है, और यहाँ पे कुछ ऐसा नजारा आपको देखने को मिलेगा। लोग यहाँ पे आके बहुत ज्यादा फोटो खिंचा रहे हैं, मैंने अभी तक कोई फोटो खिंचाई नहीं है। इसका बिगेस्ट वर्जन तो अभी ऊपर आपको दिखाने को मिलेगा, लेकिन ये रहा म्यूजियम और कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है। दोस्तों मुझे स्टेचू ऑफ यूनिटी के अंदर जाना है और ये रही विविंग गली लिफ्ट में, लिफ्ट के अंदर आ चुका हूँ लेकिन यहाँ बहुत ही ज्यादा रश है, बट फाइनली। गैलरी में और यहाँ से जो आपको पीछे वो नजारा पूरा दिख रहा है वही विविंग गैलरी, वहाँ से पूरा एंजॉय करना नर्मदा नदी को, और वहाँ से सरदार सरोवर डैम भी दिखता है। तो वहाँ का व्यू कैसा रहता है मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन तब तक आप इंटरेस्ट हो देखिए कि इसके अंदर का व्यू कैसा रहता है। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता था, वो तो अपने आप में बहुत ज्यादा सॉलिड पर्सनैलिटी थे, और उनका ये स्टेचू बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे स्टील और आयरन हर चीज का मिक्सर को यूज किया गया। ये काफी अच्छी इंजीनियरिंग है जिसकी वजह से ये इतना स्ट्रांगेस्ट स्टेचू बना है, इतना टॉलेस्ट स्टेचू है, वो भी इतना स्ट्रांग 182 मीटर का स्टैचू है, और इतनी ज्यादा रिलेटिव के साथ अगर खड़ा ऐसा लगता है कि आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। ये भी विविंग गैलरी का एरिया और ये उसका डोर है, यहाँ से मैं एंट्री ले रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे लोग इकट्ठा है। बेसिकली चेस्ट रीजन है, यहाँ बहुत ही छोटा दिखाई पड़ रहा था नीचे से। पूरा एकदम ऊपर व्यूइंग गैलरी में आ चुका हूँ, लोग यहाँ पहुँच के बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं दिखता, कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छा दिखता है। मैं ये नहीं बताने जा रहा हूँ कैसा दिखता है, वो आप यहाँ आएंगे तो एंजॉय करेंगे, लेकिन मैंने तो शूट जरूर किया आपके लिए कि यहाँ पर वाकई व्यू कैसा आता है। तो आप एक बार ये चीज़ एंजॉय करिए जो मैंने भी वीडियोग्राफी करी है यहाँ की, कि ये कितना खूबसूरत आता है या नहीं, कमेंट आपको करना है। बाकी पूरा नज़ारा आपके सामने है। जहाँ पे मैं चल रहा था और देखिए कितनी ज्यादा ऊंचाई पे हमें कि वहाँ पे दिख ही नहीं रहा है कि वहाँ लोग हैं भी या नहीं, छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, सब इंसान ही चल रहे हैं, और मैं वहीं पे चल के यहाँ तक आया हूँ। स्टेचू ऑफ यूनिटी के चेस्ट रीजन तक जाकर हम उसको एक्सप्लोर कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों अब बारी है आपको बाहर से दिखाने की कि एकदम नजदीक से जाकर बाहर से पूरा आउटर लाइन कैसी दिखती है। दोस्तों अभी हम यहाँ से आए हैं और अभी हम यहाँ सीधे एंट्री लेने वाले हैं, उधर जाने वाले हैं, यहाँ नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में, और देखते हैं कि मेरी हाइट एक्चुअली कहाँ तक पहुँचती है। मैंने अभी तक जितनी वीडियो देखी है जितने भी लोग यहाँ तक आए हैं तो वो बेसिकली उनके अंगूठे तक ही पहुँचते हैं, मैं शायद थोड़ा हाइट में कम हूँ तो उससे भी नीचे रहूंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंगूठे तक आ रहा हूँ, और सही बताऊं तो मैं उससे भी बहुत नीचे हूँ, आपको वीडियो में एनालिसिस हो जाएगा। और दोस्तों अब यहाँ पे सब कुछ हमने देख लिया है, अगर आपको पूरा स्टेचू देखना हो तो एक बार मैं दिखा रहा हूँ, देखिए किस ऊंचाई तक है। और दोस्तों सच बताऊं तो नजरें नहीं पहुंच पा रही है इतनी ज्यादा ऊंचाई तक, ऐसा लगता है कि आसमान में एकदम मिल रहा है। तो हमारे भारत के लौह पुरुष को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट और इतनी ऊंचाई डिजर्व करती है। से हमारा ये सफर खत्म होता है, लेकिन अभी एक चीज बाकी है, वो है यहाँ का लाइट्स, वो हम देख करके चलेंगे कि कैसे कैसे वो शाम में शायद टाइमिंग 7 बजे के आसपास की है, तो वो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं जरूर दिखाऊंगा।
दोस्तों हम दोपहर में 11-12 बजे के आसपास यहाँ पे आ गए थे, शाम का 7 बज रहा है इस टाइम, तो हमने 7-8 घंटे यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया है। हमने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को एक्सप्लोर किया, इसके बाद हम गए थे वैली ऑफ फ्लावर में। अभी थकान पीक पे बहुत ज्यादा है, लेकिन अब एक्चुअल एक्साइटमेंट पीक पे है, वो इसलिए कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का लाइट शो शुरू होने वाला है। दोस्तों व्लॉग में बने रहिएगा, वेट फॉर द लाइट शो बिगिन। और ये बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस है, क्योंकि यहाँ आकर के अगर आपने लाइट शो को एंजॉय नहीं किया तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं किया। दोस्तों मैं हूं ना, मैं आपको दिखाऊंगा कि लाइट शो कैसा होता है। अभी आपको पूरा स्टैचू देख पा रहे होंगे, अगर तो पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, लेकिन अभी जब लाइट शो शुरू होगा तो पूरा रंग बिरंगा हो जाएगा और इसको बहुत ही अच्छे से सजाया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही एडवेंचरस बात है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, तो रात में गुजरात गवर्नमेंट ने ये स्पेशल चीज आपके लिए कर रखी है। तो जब भी आप स्टैचू ऑफ यूनिटी आइए तो लाइट शो जरूर करिएगा, ये मिस कभी मत करना। दोस्तों वेट लेस। दिख रही है ना हर तरफ, देखिए लोग जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ से लेकर के वहां तक, ये सारे के सारे वेट कर रहे हैं उसी लाइव शो का। दोस्तों यहाँ आके आपको ये सब चीजें बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए अगर आप यहाँ आते हैं तो। इनक्रेडिबल वो मैं इसीलिए बोल रहा था कि आपको ये चीज मिस नहीं करनी चाहिए, अगर आपको दिख पा रही हो वीडियो में तो मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। और ये दोस्तों वल्लभ भाई पटेल जी को कपड़े पहनाए गए, आप देख सकते हैं तिरंगा कितना प्यारा लग रहा है। दोस्तों फाइनली लाइट शो पूरा कंप्लीट हो चुका है और हमने देखा, शायद आपने भी देखा होगा अगर मेरी वीडियो में, तो एंजॉय जरूर किया होगा, मैंने तो बहुत ही ज्यादा किया। दोस्तों अगर ये पूरा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको पसंद आया हो, हमारे भारत के आयरन मैन अगर आपको पसंद आया हो, तो इसके लिए एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों जितना हो सके इसे शेयर करिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू हमारे हिंदुस्तान में है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले व्लॉग में और एक्साइटमेंट के साथ मिलेंगे, तब तक इस चैनल। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय।